नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। विनायक कोचिंग पलसाना के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप लोग, मैं देख रहा हूं कमेंट में बार बार पूछ रहे हैं, सर क्लासों का टाइम क्या है। क्लास आपकी शुरू होती है 8:15 से मॉर्निंग में, और आप लोग उसके बाद में वो क्लास कंप्लीट होते ही अगली क्लास देख सकते हैं। टाइमिंग आपका जो चलेगा, जैसे 8:15 से स्टार्ट हो रही है तो दूसरी क्लास आपकी शुरू हो जाएगी उसके ठीक 30 मिनट बाद में। उसके बाद उससे अगली क्लास शुरू हो जाएगी अगले 30 मिनट के बाद में। प्रत्येक 30 मिनट बाद में क्लास शुरू हो जाती है, और उसे आप लोग अपना जो ये चैनल है इस चैनल पर जाकर शुरू कर सकते हैं। जैसे एक क्लास पूरी होती है उसके बाद में वापस आप चैनल पर जाइए और वहाँ से जो अगली क्लास है उसको शुरू कीजिए। और साथ में मैंने आपको बताया कि अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। उस पर हर रोज़ जो पढ़ाया जाता है आपको मैथ रीजनिंग में, उन क्वेश्चनों की PDF फाइल हमेशा मिलेगी आपको। आप उससे अपना अभ्यास रेगुलर कर पाएंगे। आज अपन उसी टॉपिक को वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण में आज आपकी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद में अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें देखो, अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यदि मैग्नीफाई शब्द में सभी स्वरों को दो से एवं व्यंजन को उस व्यंजन की शब्द में क्रम संख्या से बदल दें तो सभी अंकों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों सबसे पहले इस शब्द को बाहर लिखो, MAGNIFY, और इस शब्द को यहाँ लिखने के बाद में अपने से बोला जा रहा है कि सभी स्वरों को दो से। तो यहाँ पर स्वर अपने पास में देखो, स्वर मैंने आपको कल की क्लास में बताया, स्वर होते हैं 5 अंग्रेजी वर्णमाला में, AE IO U। और इन स्वरों में आपको बोला जा रहा है, ए देखो आपका जो स्वर है, एक आपका स्वर है इसमें और आई स्वर है, दो स्वर दिए हुए हैं। बाकी शब्दों को आपको उसके जो क्रम संख्या, देखो क्रमांक नहीं डालना है इस पर, क्या डालना है, क्रम संख्या। ये एम जो है वो इस शब्द में कितने नंबर क्रम पर आ रहा है, एक नंबर पे। एक को अपन जो प्रदर्शित करेंगे, ये स्वर है तो इसको दो से देखो यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। उसके साथ ही जी जो दे रखा है वो 1, 2 और 3 नंबर पे आ गया तो इसे 3 से प्रदर्शित करेंगे। एन है वो 4 नंबर पे आ गया क्योंकि व्यंजन है, व्यंजन को अपन क्या करेंगे, उसी जो उसका क्रम संख्या है उसके उसी से अपन प्रदर्शित करेंगे। आई अपने आप में स्वर है तो स्वर को फिर अपने को इंडिकेट किया हुआ यहाँ पर 2 से प्रदर्शित करना है, या 2 लिखने हैं स्वर की जगह। उसके बाद में देखो एफ है तो वो फिर देखो आपका व्यंजन आ गया तो यहाँ पर देखो यहाँ कितना लिखा जाएगा इसका, 6, क्योंकि एफ है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर का अक्षर है इसलिए यहाँ 6 लिखे जाएंगे। उसके बाद में आता है आपका वाई, तो वाई को देखो आप कैसे लिखोगे, वाई भी अपने आप में एक व्यंजन है तो इसके क्रम इसका क्रम हो गया इस शब्द में 7। अब आपको बोल रहा है बदलने के बाद में सभी अंकों का योग कितना होगा, तो सभी अंकों का योग दोस्तों देखो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 2 + 6 + 7 सभी को अपने को जोड़ना है तो आप जोड़ देंगे 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 18 और 7 हो गए अपने कितने टोटल 25। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 के गुणांक वाले अक्षर को संकेत एवं 7 के गुणांक वाले अक्षर को अंकों से बदल दें तो कितने अक्षर शेष बचेंगे, ऐसा अपने से पूछ रहा है। देखो दोस्तों इसको हल करने से पहले आप समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षरों में ये बोल रहा है कि 5 के गुणांक वाले अक्षर, तो देखो 5 के गुणांक वाले अक्षर कौन से होंगे, 5 के गुणांक वाले अक्षर होंगे आपके वो हो जाएंगे जैसे 5, 10, 15, 20, 25 आपने पढ़ा है EJOTY। इसमें देखो 5 के क्रमांक कितने, ई के क्रमांक कितने 5, जे के कितने 10, ओ के कितने 15, टी के 20 और वाई के 25। ये सभी जो अक्षर हैं वो 5 के गुणांक में आएंगे। इसके साथ ही देखो आप
इसके अलावा क्या हो जाएगा, सात के गुणांक वाले जो अक्षर कौन से होंगे, सात के गुणांक वाले अक्षर होंगे वो हो जाएंगे, जैसे पहला अक्षर सात, सात से आप पहला अक्षर स्टार्ट करते हो, कौन सा जाएगा जी, जी के सात है क्रमांक, जी के बाद सात के पाड़े को दो बार बोलेंगे चौदह, चौदवा अक्षर क्या हो जाएगा आपका एन। उसके अलावा देखो उसके अगला तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, इक्कीसवां अक्षर, इक्कीसवां अक्षर आपका क्या होगा यू। इस प्रकार से आपके देखो तीन अक्षर तो हो गए सात के गुणांक में, और उसके बाद पांच अक्षर कौन से हो गए पांच के गुणांक में। तो इन जैसे आपके पांच के गुणांक वाले अक्षर हैं उनके स्थान पर क्या लगाएगा अगला संकेत, और ये जो सात के गुणांक वाले हैं उनके स्थान पर क्या लगाएगा अंक। तो अपन क्या करेंगे, ये संकेत और अंक लगाने के बाद में काउंट करेंगे कि कितने अक्षर ऐसे बचेंगे वर्णमाला में जो सिर्फ अक्षर बचेंगे उनकी जगह संकेत या अंक नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखो पाँच तो ये छोड़ दो और तीन ये, आठ छोड़ देंगे, टोटल अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं दोस्तों 26, 26 में से आप 8 घटा दो कितने बच गए, 26 में से 8 घटाने पर आपके जो अक्षर बचे वो बच गए 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या आएगा 18 आएगा। इसके बाद देखो आप अगला क्वेश्चन देखिए, यदि शब्द एक्सप्लोरेशन के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को परवर्ती अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तथा इन अक्षरों के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। देखो यहाँ पर तीन चीज़ें पूछी अपने से, पहले बोल रहा है व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती अक्षरों से, तो पूर्ववर्ती अक्षर होते हैं जो व्यंजन है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इस अक्षर के अंदर जो स्वर हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक्सप्लोरेशन देखो इसके अंदर आपके जो स्वर हैं वो हो जाएंगे ई, उसके बाद में ओ, उसके बाद आई और ओ, ये इसमें स्वर दे रखे हैं, बाकी व्यंजन। तो देखो व्यंजनों को तो आपको पूर्ववर्ती एक शब्द दिया है नया, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब है उसके पीछे वाले शब्द से, और अगला इसमें दे रखा है स्वर को परवर्ती, परवर्ती का मतलब उससे अगले अक्षर से बदलना है, उसके बाद में बदलने के बाद में इसको पूरे अक्षर को उल्टा लिखा जाए, उसके बाद पूछ रहा है अपने को दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों देखो इसको चेंज करते हैं अपन, जैसे बोला गया क्वेश्चन में उसके आधार पे, सबसे पहले अपने पास स्वर दे रखा है, स्वर को परवर्ती अक्षर से बदलना है तो यहाँ आ जाएगा ई के, ई की जगह क्या आ जाएगा एफ, अक्ष है वो व्यंजन है, व्यंजन को देखो अपन पीछे वाले अक्षर से बदलेंगे पूर्ववर्ती से, तो अक्ष से पहले वर्णमाला में देखो क्या आ जाता है W, उसके बाद P फिर व्यंजन है तो P से पहले क्या जाएगा O, उसके बाद में L है व्यंजन है, व्यंजन में देखो L से पूर्व क्या जाएगा K, और O है वो स्वर है, इसको आगे वाले अक्षर से चेंज करना है तो O के स्थान पर यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा P, R है वो व्यंजन है उसको पीछे वाले अक्षर से बदलेंगे तो क्या जाएगा Q, टी है वो भी व्यंजन है इसको पीछे वाले अक्षर से बदलेंगे तो पूर्ववर्ती से बदलने पर एस आ जाएगा, उसके बाद आई है इसको परवर्ती से बदलना मतलब आगे वाले अक्षर से बदलना है तो आई की जगह क्या जाएगा यहाँ पर जे आ जाएगा, ओ अपने आप में स्वर है इसको भी आगे वाले अक्षर से बदलना है तो इसकी जगह देखो क्या आ जाएगा पी आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद एन जो दे रखा है आपका इस एन को आपको पीछे वाले अक्षर से बदलना है तो एम, एन से पीछे क्या जाता है एम, उसके बाद में पूरे अक्षर को उल्टा करना है, उल्टा करने पर देखो उल्टा करने के लिए आगे वाले आगे से जो अक्षर है उसको लिखते हुए यहाँ से चलो एम, एम के बाद में दिया हुआ है पी, पी के बाद में दे रखा है जे, जे के बाद एस, क्यू, पी, के, ओ, डब्लू, एफ, ये विपरीत हो गया। उसके बाद अपने से पूछ रहा है कि बताइए दाईं ओर से, तो दाईं ओर से सातवां अक्षर, दाएं से सातवां अक्षर हो जाएगा दोस्तों एक दो तीन चार पाँच छः सात, सातवां अक्षर कौन सा होगा एस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। इसके बाद देखिए आप अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुक्रम को देखें, इसमें देखो एक अनुक्रम दिया हुआ है आपको और इस क्रम में आपको अक्षर संख्या या अंक प्रतीक ऐसे दिए हुए हैं, इन सब की मिक्स एक सीरीज दे रखी है, राजस्थान पुलिस 2018 का जो पेपर लगा उस पेपर में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको कैसे हल करना था दोस्तों देखो, उपरोक्त अनुक्रम में प्रस्तुत तर्क के आधार पर
उस पद को ढूंढें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर एक क्रम दे रखा है @%A, तो यहाँ इस क्रम को देखेंगे आप लोग, यहाँ देखो मैच करवाएंगे @ यहाँ पर दे रखा है, उसके बाद यहाँ से आप चलेंगे तो प्रतिशत दिया हुआ है 1 और 2, आपका एक अंक और एक अक्षर छोड़ दिया, या दो छोड़ करके, दो पद छोड़ करके आगे आपको अगला पद दे रखा है प्रतिशत। उसके बाद प्रतिशत से आप आगे चलेंगे तो 1 और 2 पद छोड़ करके आपका अगला पद आ जाएगा A। उसके बाद देखो I से चलेंगे अगले पद के अंदर तो इसमें आ जाएगा I, I से आप 1 और 2 छोड़कर आईटा, तो इसमें भी दिया हुआ है देखो आईटा। उसके बाद आपका देखो आईटा से चलेंगे तो 1 और 2 छोड़ करके लेस देन, तो यहाँ पर भी दे रखा है लेस देन। उसके बाद में देखो इसके बाद इन दोनों का एक ही क्रम आ रहा है। अगला देखो तीसरा, इसमें क्या क्रम चल रहा है, इसमें चल रहा है M, M से 1 और 2 छोड़ दो, क्योंकि वही क्रम जारी रहना चाहिए इसमें, तो 1 और 2 छोड़ते ही देखो अगला आ जाएगा आपका क्या U, तो यहाँ पर देखो U आ रहा है। उसके बाद में U से चलेंगे तो 1 और 2 पर छोड़ दिए, उसके बाद में आ गया I, ये भी वही क्रम है, तीनों का सेम क्रम आ रहा है, तो यहाँ पर उत्तर ये हो गया। और देखो इसके अलावा आप चेक करके देख लो, यह आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ से 1 और 2 पर छोड़कर K, तो यहाँ भी K दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ से आप देखेंगे तो इसके बाद में 1 और 2 पद छोड़ते क्या रहा है A, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है ग्रेटर देन दे रखा है, इसलिए ये पद अब आपका क्या है डिफरेंट। और इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए था एग्जाम में A, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर आएगा A। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन जो आपको पहले आप देख रहे थे उसी वर्ण उसी सीरीज को दोबारा से फिर दी थी उसी पेपर के अंदर जो पुलिस का पेपर लगा 2018 का, उसमें देखो क्या पूछा गया था, यदि दिया गया क्रम विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो परिणामी अनुक्रम में प्रतीक से पहले और किसी अक्षर या संख्या के बाद प्रतीकों की संख्या क्या होगी। तो नीचे देखो मैंने इस पूरे प्रतीक जो ये आपकी सीरीज है इसको विपरीत क्रम में लिखा है, मतलब पहले ये लास्ट वाला जो प्रतीक है उसको लिखा है, उसके बाद A लिखा है, उसके बाद में 2 लिखे हैं, उसके बाद में लेस देन, उसके बाद K, उसके बाद में भाग, आईटा, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्लस, I, 2, A, U, एंड, ये सारा ऐसा कैसा विपरीत क्रम में लिख दिया। अब अपने से विपरीत क्रम में लिखने के बाद में ये पूछ रहा है कि इस अनुक्रम में प्रतीक से पहले और अक्षर किसी अक्षर या संख्या के बाद में प्रतीकों की संख्या कितनी है, मतलब प्रतीक से तो पहले होना चाहिए और अक्षर या संख्या के बाद में होना चाहिए, चाहे अक्षर हो या संख्या हो कोई सा भी हो उसके बाद में होना चाहिए। देखो पहला प्रतीक दे रखा है तो इसके बाद में आपका एक अक्षर दिया हुआ है, तो इसमें जबकि क्या बोल रहा है अनुक्रम में प्रतीक से तो क्या होना चाहिए पहले और अक्षर या संख्या क्या होना चाहिए बाद में, जबकि ये अक्षर से पहले आ रहा है। इसके बाद इस प्रतीक को देख रहे हो आप लोग, तो ये प्रतीक जो है वो ये देखो यहाँ पर अक्षर से पहले है और संख्या के बाद में है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि प्रतीक से पहले होना चाहिए, जबकि यहाँ आ रहा है प्रतीक किससे पहले, अक्षर से पहले, उसके बाद में फिर प्रतीक दे रखा है। तो देखिए ये प्रतीक है आपका भाग का, और इस प्रतीक को देखो आप यहाँ आईटा आईटा ये प्रतीक है अपने आप में, तो इस प्रतीक से पहले प्रतीक आ गया और अक्षर के बाद में प्रतीक आ गया, तो एक तो आपका जो पूछ रहा है वो जोड़ा ये रहा, इसमें ये रहा कि अक्षर या संख्या के बाद प्रतीकों की संख्या कितनी होगी, तो एक तो ये आ गया आपका। उसके बाद में आप लोग देखेंगे यहाँ पर देखो ये जो प्रतीक है इसके पहले ही प्रतीक आ गया और बाद में प्रतीक आ रहा है। उसके बाद में इसको देखोगे आप तो ये बोल रहा है, इसमें बोल रहा है प्रतीक से पहले होना चाहिए, जबकि प्रतीक से ये पहले तो हो गया लेकिन अंक के बाद में नहीं, अंक के अक्षर के बाद में नहीं है। प्लस को देखेंगे तो ये देखो अक्षर से पहले हो गया, जबकि ये इसमें क्या बोल रहा है प्रतीक से पहले होना चाहिए। उसके बाद में आप लोग देखोगे दोस्तों ये जो आपका एंड ये प्रतीक जो है वो प्रतीक से पहले है और अक्षर या संख्या के बाद में है, तो दूसरा पद आपका ये हो गया। उसके बाद में आप लोग देखोगे देखो यहाँ पर ये है आपका प्रतीक से पहले है और संख्या के बाद में है, तो यहाँ पर ऐसे समूह कितने बने जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। दोस्तों ऐसे समूह देखो 3 बने, 1 और 1 ये रहा 2 और 1 ये 3, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों 3 उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला पर विचार करें, एक सीरीज आपको दे रखी थी वही उस राजस्थान पुलिस 2018 के पेपर में एक में दिया हुआ था, 4 पेपरों में से एक पेपर में क्वेश्चन आया था ये। देखो इसमें लिखा हुआ है एक सीरीज दे रखी है आपको कंप्लीट लिखी हुई है अपने हिसाब से, इसके बारे में बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में ये जो दीवी श्रृंखला इसकी बात कर रहा है मैं बाईं ओर से
छठे स्थान से शुरू होने वाला प्रत्येक अक्षर अपने अगले अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो आपके बाएं से 13वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा है। बहुत से विद्यार्थियों ने इसको गलत किया है क्वेश्चन को, क्योंकि उन्होंने क्या किया क्वेश्चन के अंदर, देखो दोस्तों यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया कि 1 2 3 4 5 6 छठा अक्षर था एम, और उन्होंने क्या किया एम को एन से प्रतिस्थापित कर दिया, बाद में फिर 6 काउंट किए 1 2 3 4 5 6 फिर इसको चेंज कर दिया। ऐसा नहीं करना था, इसमें चेंज ऐसे करना था, देखो बदलाव इस प्रकार से करना था, यहाँ से छठा अक्षर देखो कौन सा है 1 2 3 4 5 6 छठे अक्षर से प्रत्येक अक्षर को चेंज करना था, तो यहाँ पर छठे अक्षर देखो बाईं ओर से छठे स्थान से शुरू करते हुए, छठा स्थान ये है, यहाँ से शुरू करते हुए प्रत्येक अक्षर को अगले अक्षर से प्रतिस्थापित करना है, तो यहाँ पर देखो नई सीरीज बनेगी, वो कौन सी बन जाएगी दोस्तों DAUXY, ये तो ऐसे कैसे रहेंगे। उसके बाद में M की जगह क्या जाएगा N, O की जगह क्या जाएगा देखो P की जगह क्या जाएगा Q, Q की जगह क्या जाएगा R दोस्तों, V की जगह V से अगला अक्षर आता है W, R की जगह S, अगला अक्षर S से अगला T, H से अगला I, V से अगला W, D से अगला E, V से अगला W, M से अगला N, A से अगला B, K से अगला L, P से अगला Q, N से अगला O। इस प्रकार से आप लोगों का देखो बदलने के बाद में जो क्रम ये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है ये अपने को कि भाई क्या बोल रहा है, अपने से बोल रहा है कि आपके बाएं से 13वें अक्षर, यहाँ बायां ये हो गया अपना बायां हाथ है, वहाँ से यहाँ से 13वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13वां अक्षर क्या रहा है दोस्तों W, और उसके बाईं ओर छठा अक्षर यहाँ से बाएं इधर चलेंगे तो यहाँ पर देखो छठा अक्षर कौन सा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 छठा अक्षर क्या होगा Q, तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा Q। कई स्टूडेंट्स ने क्या किया एग्जाम जब देखे आए तो वहाँ पर P करके आ गए, P देख रहे थे, P आंसर आ रहा था लेकिन ऑप्शन में P दिया हुआ भी नहीं था, तो इसको हल नहीं कर पाए एग्जाम के अंदर। तो ऐसे इस प्रकार से आपका ये वर्णमाला परीक्षण पूरा होता है, उसके बाद में जो आगे का टॉपिक है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग बार बार जैसे मैं कमेंट देख रहा हूँ उसमें आ रहा है कि सर टाइम क्या होगा अगली क्लास का, अगली क्लास का टाइम दोस्तों अभी जस्ट आगे आपकी क्लास हो जाएगी, ठीक जैसे ये 8:15 से स्टार्ट हुई है तो 8:15 से 30 मिनट का समय है इस क्लास का। अगर ये कभी कई बार क्या होता है क्लास थोड़ी छोटी होती है तो उसके बाद में क्लास का टाइम कम होता है, तो अगली क्लास ठीक आधे घंटे के बाद में स्टार्ट होती है, रोहितास जी आएंगे और वो आपको साइंस पढ़ाएंगे, उसके बाद में उनके बाद अजीत जी क्लास होती है जीके की, और उसके बाद अगली क्लास आपकी लास्ट मैथ्स की होती है। तो इस प्रकार से और शाम की जो क्लास हैं उनका टाइम अपन चेंज करेंगे, शाम को थोड़ा लेट हो जाता है 8:15, इसलिए अपन उसका टाइम घटा करके कर रहे हैं लगभग 6:15 बजे का। और दोस्तों आप लोग अपना जो टेलीग्राम चैनल है विनायक कोचिंग पलसाना, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको समय समय पर क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के, उनको हल करने के लिए, तो आप लोग उससे जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, विनायक कोचिंग पलसाना के नाम से है अपना टेलीग्राम चैनल। और दोस्तों जहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लासें लगातार जो चल रही हैं वो पसंद आई होंगी, तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। साथ में ही आप लोग कमेंट जब लिखेंगे तो कमेंट लिखने से हमें पता लग जाता है कि कौन कौन स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ गए हैं, तो आप लोग कमेंट में लिखते रहें, कमेंट देते रहें, उत्तर जवाब देते रहें कमेंट्स में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।